मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक, जो कि दो सेलिब्रिटीज़ लाइक सेलिब्रिटीज़ और एक यूट्यूबर से इंस्पायर्ड है। फर्स्ट ये हिना खान का इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, जो कि रिसेंटली निधि ने भी किया है, निधि कटियाल ने भी किया है। सो मैं भी काफ़ी टाइम से इस लुक को क्रिएट करना चाह रही थी, तो आई थॉट इसको क्रिएट करना चाहिए। एक्चुअल ज्वेलरी और जो ड्रेस है वो इतने अच्छे से अरेंज नहीं हो पाई थी। अभी भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम तो नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं सेम थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह को रख पाऊँ। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा हो, आपके लिए भी ये हेल्पफुल रहा हो, तो गाइज प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे, और वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। सो गाइज फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस अर्ल गुडनेस का ग्रीन टी टोनर। अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लिया है ताकि फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मैक का लिप बाम, जो कि बहुत अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ जॉय की एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेती है आपकी स्किन में, बहुत ही लाइट फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का दिस ब्लो प्रोफेशनल प्राइमर, जो कि एक पिंक टोन है बट बहुत ही अच्छे से आपके फेस को ब्राइटन अप कर देता है, लिटिल बिट आपको कवरेज भी देता है, आपके ओपन पोर्स को बहुत अच्छे से फिल इन कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइट का ये फाउंडेशन और फोटो फोकस फाउंडेशन है ये, और शेड मुझे याद नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और 20 समथिंग कॉस्मेटिक के ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। कंसीलर के लिए अगेन आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइट का फोटो फोकस कंसीलर, आई एम इन द शेड लाइट मीडियम बेज। यस, लाइट मीडियम बेज मेरा शेड है। एक हाइलाइटिंग कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, आप अगर ट्राई करना चाह रहे हो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ये आपको 200 रुपीज का इजिली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे हमेशा चलती रहती है सेल। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस सिस ब्यूटी का मैट प्राइमर प्लस कॉम्पैक्ट, जो कि एक कॉम्पैक्ट है बट एक मैट फिनिश आपको देता है और उसका कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसे मैंने अच्छे से अपने फेस को सेट कर लिया है। आईब्रोज को फिल इन करने के लिए यहाँ पे अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का ये 12 कलर्स अल्ट्रा आई शेडो पैलेट, और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इसका, मल्टीटास्किंग है। रिसेंटली इसे मैंने फिर से एक बार यूज़ किया था, सिस ब्यूटी का वन ब्रांड, ऑलमोस्ट सिमिलर मेकअप लुक है, थोड़ा सा चेंज है लिप शेड एंड थोड़ा सा आई मेकअप भी। सो सेम जो शेड है इसमें नाइट पर्पल टाइप का ब्लू इन कलर है, एक ब्लू कलर है शिमर वाला। सो एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी पूरी क्रीज के ऊपर डिफाइन कर लिया है, क्रीज के हल्का सा ऊपर तक गई हूँ मैं, हल्का सा ऊपर जाना है और क्रीज को कोई डिफाइन वगैरह आपको नहीं करना है, पहले आपको बाद में करना है ताकि हम इस जो एरिया है क्रीज का उसको अच्छे से फिनिश दे पाए। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एंगल ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ और थोड़ा सा स्मोकी आई लाइनर टाइप का ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि लाइनर भी ना लगे और लाइनर भी लग जाए, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। सेम शेड को अपनी वाटर लाइन पे मैंने स्मोक आउट कर लिया है और यहाँ पर सेम ब्लैक शेड ले रही हूँ एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, और अपनी आउटर व्यू में फोकस करते हुए अपना क्रीज के ऊपर तक थोड़ा सा इसको मैं ब्लेंड कर लूंगी, यूजली जैसे हम करते हैं अगर आप थोड़ा सा स्मोकी टच देना चाह रहे हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं काजल यूज कर रही हूँ, उसके लिए मैंने मेबलिन का कलोसल काजल लिया है। सो गाइस ये दो पहले जो मैंने क्लिप्स ऐड की थी वो मेकअप कंप्लीट होने के बाद में, जब मैंने मेकअप लुक देखा था तब मैंने की थी, और ये सेम टाइम पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मालियो का ये वाटरप्रूफ मस्कारा, और बालों की वजह से थोड़ा सा मेरे फेस पे भी लग गया है आप देख सकते हो, बट इसको ड्राई होने के बाद आप रिमूव कीजिए, गीले में अगर आप इसको रिमूव करते हो तो आपका पूरा मेकअप खराब हो सकता है। मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्रॉन्जर ब्लशर पैलेट लिया है, इससे ब्राउन शेड लेकर के अपने फेस को कंट्रोल कर लेंगे हम, यू कैन सी कि बहुत ही अच्छे से शार्पली कंट्रोल करना है आपको। और यहाँ पे मैंने एक फेस ब्रश लिया है, नॉर्मल ब्रश, एक फेस ब्रश लिया है जिसे कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लैक्मे एब्सोल्यूट का ये बेक्ड शिमर हाइलाइटर, इट्स लाइक ब्लशर टाइप का है, पिंक शेड लेकर के मैंने अपनी इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट कर लिया है, और दो शेड से मैंने अपने फेस पे हाइलाइटिंग एंड ब्लशिंग दोनों कर लिया है। यू कैन सी कि बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, क्रीमी है, सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, न्यूली ही मैंने इसको ट्राई किया है, बैंगलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्मॉल फ्रंट ब्रश की हेल्प से जो भी यूजली मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहां पे मैं इसे अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि मैंने पहले नहीं किया था। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे की मैट मेल्ट
लिक्विड लिपस्टिक, आई एम द शेड 21, और बाइंग अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेकअप सेट करने के लिए मैंने यूज किया है एडीएस का मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।